डिप्टी स्पीकर महोदय जी, आपने मेरे को राज्यपाल अभिभाषण में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। दोबारा जीरो करो जी, बोलने लगा 30 मिनट। आप बोल नहीं रहे तो आप यूं जाएगा समय। पीछे बोलने लग रहा जी, मैं क्या करूं जी? तो आप बहस करने की बजाय बोलो ना आप अपनी बात। जीरो करो फिर दोबारा एक बार। उसको तो माइक बंद है। डिप्टी स्पीकर महोदय जी, आपने मेरे को राज्यपाल अभिभाषण में बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब राज्यपाल अभिभाषण में 127 स्कीमें थी, मैं इनको सभी को बधाई देता हूँ, राज्यपाल जी और सरकार को। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, सरकार ने जितनी भी स्कीमें 127 थी, ये सभी 36 बिरादरी के लिए लाभदायक हैं जी। को विपक्षी भाई कह रहे थे भाई, सरकार कह रही थी 2022 में किसान की दुगुनी आय दुगुनी हो जाएगी जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ जी, इन भाइयों में बताना चाहता हूँ भाई, आज 4500 रुपए जीरी 5000 रुपए बिकी है, किसान बिके किसकी बिकी है वो? आज ये सड़कें बता रहे टूटी हुई हैं, आज हरियाणा प्रदेश में सड़कें देखो, आज जो विधायक जितने आकर दे आराम से बैठो जी, सुन लियो बता दे रहा, जुलाना ही बताऊंगा जी। आप ऐसे नहीं, आप चेयर को करो एड्रेस, आप भी बोल दे जी, आप ये बताना चाहूंगा, जुलाना में 152 डी आज 2 घंटे में यहाँ चंडीगढ़ आ जाते हैं जी, जींद से 100 जो गुहाना से और जुलाना गुहाना से जींद बने हैं जी, वो भी जुलाना में बने हैं जी। आज जींद की दिशा चारों तरफ से हमारे विधायक जी बता रहे थे, मैं बताना चाहता हूँ, 8-8 चाय रोड बने हैं, जैसे 80 से वो भी जींद में जाता है जी, माड़ा जाता है जी। और जो अब अपने रोड तक से जींद आ रहा है जी, वो भी उजलाना में को अंदर को है जी। और बहुत ही रोड ऐसे थे जो इसमें कभी बने नहीं थे, 62 सड़कें ऐसी थी जुलाना में जी, आज तक जो गांव टू गांव जोड़ते हैं कभी बनी नहीं। विपक्ष में राज रहा करता, हमेशा विपक्ष वाले साथ में रोहतक हल्का भी लगता, बड़ौदा भी लगता, गुहाना भी लगता है जी, मैम भी लगता है जी। लाखर माजरा सड़क छोड़ दी जींद में जुलाना एंट्री होते है जी, उधर बंभेवा देख लो जी, वो भी छोड़ दिया। आज चारों तरफ से हरियाणा प्रदेश में सड़कें बनने लग रही है, मैं सरकार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रही किसानी बात जी, आज जुलाना सबसे बैकवर्ड हल्का मानना चाहता जी, आज हमारी सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसी पाइपलाइन बिछा दी 300 करोड़ रुपए लागत से, आज हर जमींदार खुश है जी, 36 बिरादरी खुश है जी, आज वहाँ कोई पानी कोई मार नहीं है जी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज देख के आओ जी, भाई कोई भाई ये कहता है वहाँ नहीं निकला, यहाँ हर बार किसान बात करते हैं नहीं, तो उन्होंने पानी निकलवाओ, उन्हें पैदा डबल अपने आप हो जाएगी। आज एक एक जमींदारी 90 हजार किलो मजदूरी हो रही है, आज गेहूं जाए देखो कितने अच्छे खड़े हैं जी। एक और मांग करना चाहता हूँ जी, जैसे खेल स्टेडियम है जी, अथुआड़ा में, जुलाना में, गुआना में जी, 2 साल से कंप्लीट हो गए, थोड़ी बहुत काम कसर रही है जी, उसके एस्टिमेट आ रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ मैं, उनको जल्दी चालू करवाएं, वहाँ कोच की सुविधा करी जाए जी। एक मेरे हल्के में रामराय गाँव है जी, तीर्थ के नाम वहाँ पर है, जो बच्चे तैराकी करते हैं स्विमिंग पूल की जी, रामराय में एक स्विमिंग पूल की सुविधा दी जाए जी, वहाँ से बच्चे सारे तीर्थ में वो करते हैं जी तैराकी जी, आपके माध्यम से बजट में उसको भी उपलब्ध है जी। एक जुलाना में जी, जैसे 72 गांव है जी, 38 गांव ऐसे थे जहाँ फल की मार पड़ती थी जी, 34 गांव ऐसे हैं जी जहाँ पर 3 माइनर थी जी, एक बरोली माइनर जी, एक करेला माइनर जी, एक रामकलिसम माइनर जी, वहाँ पर पानी कम लगता है जी, नीचे पानी नहीं अच्छा नहीं है जी, बहुत बुरी मार होती है जी पानी की। तो आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी उस टाइम सरकार में थे, ये 3 प्रपोजल चले हुए थे जी, वो पता नहीं किस कारण से वो अधूरे रह गए थे। तो मैं आपको मांग करता हूँ आपके माध्यम से जी, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम साहब को जी, ये 3 माइनर इस बजट में इनका बजट दिया जा रहा जी, किसान खुश हो जाएगा, डबल आमदनी हो जाएगी जी। एक मांग करता हूँ जी, हमारे मंत्री जी बैठे हैं मार्किंग बोर्ड के, जे पी दलाल जी, कुछ सड़कें जैसे 3-4 रोड बड़े बने हैं जी मेरे हल्के में, मार्किंग बोर्ड की सड़क कुछ जैसे 10 साल पहले उनकी DLP भी खत्म हो चुकी है जी, जैसे फतेहगढ़ से लिजवाना कला है जी, देवखेड़ा से देवड़ है जी, निडाणा से ललित खेड़ा जी, रामकली से कड़सोड़ा जी, देवड़ से मालवी है जी, वहाँ कमास खेड़ा जी, सामलगुड़ से रधाणा जी, खरेंटी से वालन जी, सुंदरपुर से सुहा जी, डिगाणा से नंदगढ़ जी, रामरे से रामगढ़ जी, ये रोड पहले अच्छे थे जी, ये रोड बड़े रोड बनने के कारण जी, ये रोड थोड़े टूट गए, दोबारा से नया बनाया जाए जी। और एक जुलाना हल्के को तोली गाँव है जी, वहाँ डिप्टी सीएम साहब घोषणा करके आए थे महिला कॉलेज की जी, तो मंत्री जी बैठे हैं, 23 मतलब कॉलेज दे दो जी,
ठीक है जी, धन्यवाद। हो गया होगा, 30 सेकंड रह आके चल गया टाइम जी। बाकी आप लिख के दे दो, रिकॉर्ड पे आ जाएगा। अध्यक्ष महोदय जी, श्री मेवा सिंह 15 सेकंड लूंगा जी, 15 सेकंड जी। होगा एक हमारे मंत्री जी बैठे हैं जी, सरपंच धरने बैठे हैं जी, वो 2 लाख की पार उसको 20 लाख की बढ़ा। मेवा सिंह जी आप धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदया,